मॉर्निंग एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर 2021 और आज मैं अपनी जा रही हूँ लखनऊ, पर लेट हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोग की ट्रेन छूट चुकी पापा थी सुबह सुबह, तो हम लोग फिर से दूसरी ट्रेन के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम पापा प्रियांशी, पापा लेके आए हम लोग को स्टेशन पे। पापा बहुत बिजी हैं तो पापा नहीं चल रहे, नहीं तो हम लोग की प्लानिंग थी मम्मी पापा सिवान सब के जाने की। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर ट्रेन और ट्रेन आने वाली है, अगला स्टेशन हमारा ही है। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. पहुँच गया है लखनऊ और अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ। सुबह से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो गई फिर से, और उसके बाद अभी मैं आके यहाँ पहुँची हुई हूँ। हाँ, मैंने बताया था ना, मैंने मैट्रेस चेंज करने को बोला। एक्चुअली मैट्रेस तो चेंज हो गई, बड़ी भी है बट बहुत हार्ड है, पिछले वाले से ज़्यादा हार्ड है। और इसमें लिखा हुआ है नींद अच्छी तो दिन अच्छा, पता नहीं क्या नींद अच्छी करेंगे। ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मैंने नहाया भी नहीं क्योंकि मैं ट्रेन नहीं मिस करना चाहती थी, फिर भी हो गई क्योंकि मम्मी के साथ आना था और मम्मी हाँ उसके बाद नहीं नहाई, बिकॉज फिर हुआ कि अब सो जाओ वहीं जल के सीधे नहाएंगे। ये कब हुआ? ये मेरे दिमाग में हुआ। अच्छा। हम पहले सोच के रखे थे रात से ही कि सीधे पहुँच के लखनऊ में ही हमारा स्नान होगा। तो अब हम लोग पहुँच गए नहा के, आराम करके कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि घर से भी कुछ खा के नहीं आए। भूख लगी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्या ऑर्डर करें। देन हम लोगों ने ऑर्डर किया पिज्ज़ा, अभी तो यही खाएंगे, रात के लिए कोई टिफिन का इंतजाम हो जाए तो बढ़िया है। ये आराम से खाओ, आराम से खा रहे हैं। तो फिलहाल में अभी 7 बज चुके हैं और हम लोग सुबह से आए, तो मतलब यही रूम शिफ्टिंग करनी और सब सामान रखना और बेड ओड की कवर निकाली बिकॉज न्यू बैटरेस थी, और सुबह से कुछ भी नहीं खा के आए घर से और यहाँ पे एक पिज्ज़ा खा के, और अभी हम दोनों की बहुत भूख लगी हुई है तो कुछ जा रहे हैं खाने का इंतजाम करने, क्योंकि अभी तो खाने के लिए फ़िलहाल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है और पूरा रूम मेस पड़ा हुआ है। ये यू कैन सी, और लग भी नहीं रहा कि 7 बज गए हैं, ऐसा फील ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मतलब पूरा मतलब चारों तरफ से पैक है ये रूम। ये देखिए, ये डोर, ये विंडो, ये पूरा ऑल अराउंड ये पैक है। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि टाइम कैसे जा रहा है, बीत जा रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो फिर सोच रहे हैं थोड़ा रूम शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो साफ़ कर ही सकते हैं ना, तो करके उसके बाद से जाते हैं कुछ खाने। मतलब यहाँ मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं यहाँ पे मेरे लिए न्यू है, मुझे इतना भी नहीं पता यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं। हाँ, सुबह जब पिज्ज़ा लेने गए थे जिस आंटी से कोल्ड ड्रिंक लेने गए, उन्होंने बताया कि आगे चल के कोई है दुकान जहाँ भोजनालय के कि वहाँ पे खाना मिल जाएगा तुम लोगों को, तो जाके ढूंढते हैं।
लेट्स सी कुछ है या नहीं। देखिए दीदी सफाई कर रही है। सफाई नहीं कर रहे यार, मतलब सामान सही से कर रही है और क्या। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कपड़े धोने वो भी समझ में आ रहे कैसे धोने। हम लोग को एक सिंगल हैंगर तक नहीं मिला, अलमारी बोला गया कि अभी मिलेगी वो भी नहीं मिली है। तो अभी जिस पे कपड़ा सुखाने के लिए उन्होंने दिया है ना उसी को लाके हम लोग कपड़े रख रहे हैं अभी। तो स्टैंड बोल रही थी कि इसको यूज नहीं कर सकती है, इसको बाहर रखना है। तो मैंने कहा कि कैसे बाहर रखना है जब आप लोगों ने अलमारी तो दी नहीं, तो इसको बाहर रखेंगे तो हम कपड़े कहाँ पे रखेंगे। तो कहीं नहीं, इसको तो बाहर रखना होगा। हम कहे बाहर नहीं रखना होगा, जब तक कुछ नहीं आ जाता तब तक मैं इस पे कपड़े रखूंगी, और कोई लड़की भी नहीं है तो मुझे यूज करना है तब तक, ठीक है ओके। मैं आपको एक एक गंदगी गिनाती हूँ। क्या है ये है, ये जो हमने आज पन्नी निकाली इसमें गद्दे की, और ये सामान लेके आए सारे, ये सामान है। पपीता लेके आए हम लोग, खाना भूल गया लेकिन नहीं अभी जाने वाले हैं। एक्चुअली पहले हम लोग खाट के बोल रहे हैं, काट के फल खाएंगे पपीता, उसके बाद जाएंगे बाहर, क्योंकि पहले कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि रात के खाने के लिए अभी से खा लेंगे तो फिर रात में फिर से भूख लगेगी। okay. नहीं इतनी भूख नहीं लगती मुझे, पर आज लग रही है। ठीक है बाय। देखो हम सही गेस किए थे, सब चाइनीज है, कुछ सोच के और आए थे फिर हो कुछ और दिया। डूइंग मिस्टेक बाई चांस कि हम लोग भोजनालय समझ के चाइनीज दुकान पर आ गए, अभी बनवा रहे हैं मोमोज फ्राइड राइस पैक करवा के लेके जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल खाने का मन नहीं, मेरा गला जलता है। प्रियांशी खाएगी थोड़ा बहुत, गला जलता है बट भूख लगी है ना क्या थोड़ा बहुत, पता कैसी बढ़ गई है। थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं ना हाल में, अभी बहुत भूख लगी हुई है। तो हम लोग जाके लेके आए ये, इसमें मतलब फ्राइड राइस है, मोमोज है और सॉस है। प्रियांशी खा रही है, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत तीखा है। 25 रुपए में 6 दिए हैं, लूटे हैं, टोटली लूटे हैं। लखनऊ में दुकान है बस, हम उन्हें चला देंगे मोमोज कर सकते हैं। तो अभी तो ना टिफिन का कुछ है, ना कोई आंटी मिली हुई है, ना हम लोगों ने कुछ इकट्ठा ही किया हुआ है, तो फिर जो है वो तो खाना पड़ेगा। और अभी फिलहाल में यही है, एक आंटी बोल रही थी कि आगे चौराहे पे चल के कोई भोजनालय है वहाँ पे तुम लोग खाना ले सकते हो। तो हम लोग खाने के लिए गए थे पर पता नहीं था चाइनीज है यार। फिर मैंने सोचा कि ठीक है हाफ हाफ प्लेट पैक करवाते क्योंकि मुझे तो खाना नहीं, पर आगे हम लोग गए पर वहाँ पे कुछ था ही नहीं, नथिंग। फिर लौटना पड़ा, गलियाँ बस ऐसे सुनसान थी, और जो है इसी में शेयर करके खाते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं इसी पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टिल देन बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।